हेलो एवरीवन, कैसे हो? सारे बढ़िया हो? एक बार कमेंट करो जल्दी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड आफ्टरनून हो रही है। ठीक है भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भी नहीं हो रही है, गुड नून हुई है। ठीक है, गुड नून। तो एक बार कमेंट करो जल्दी से सारे के सारे। ठीक है भाई, कल की जो क्लास हुई थी वो प्लेलिस्ट के अंदर थी, ठीक है? और अगर हम मैं बात करूँ तो अनलिस्ट करी थी मैंने वो, जिसकी वजह से आपको कुछ को दिक्कत हुई क्लास को लेने में, ठीक है? कुछ को नहीं मिल पाई, लेकिन अब वो है ना यूट्यूब पे ही रहेगी। अब डेली क्लास में लिया करूंगा तो आपको डेली इंडियन इकोनॉमी की क्लास आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है? और ये नहीं कि मतलब टाइम पास करे, टाइम पास नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम को देख कर करूंगा, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके बनेंगे उन क्वेश्चन में कोशिश करूंगा, मैं 100 में से 100% कोशिश करूंगा मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस यहाँ से मिला, ठीक है? पहले तो बात, अगर मैं कोई क्लास लेता हूं तो मैं एवं ही खमे खाने लेता, ठीक है? और दूसरी मेन चीज यह है, अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट उठाता हूं तो उस सब्जेक्ट का पहले एनालिसिस करता हूं, पहले 5 ईयर जो पेपर्स होते हैं उन पेपर्स का, और जो पहले लास्ट के 5 साल के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को देख के, जो क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने पुटअप किए हैं उन्हीं के बेस पर मैं अपनी क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसे नहीं ना मैं अपना टाइम पास करने का और ना मैं आपका कराने का, ठीक है? तो टेंशन फ्री रहो, कहीं ना कहीं ट्रस्ट करके चलो बस। जैसे 10th क्लास का सोशल साइंस का पेपर मिलता है ना, टोटल रिजल्ट टोटल ऐसे ही मिलेगा भाई, ठीक है? देखो यहाँ से तो अगर जाता है तो ऐसे ही मिलेगा, बाकी आप आंख बंद करके ट्रस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूं कोई गम नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, आज जैसे कि कल हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है? तो आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही पार्ट नंबर 2 है, और इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवेन्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है? स्वतंत्रता के टाइम पर या आजादी के टाइम पर हमारी इकोनॉमी या हमारी इकोनॉमी के जो फीचर्स थे वो फीचर्स कैसे फीचर्स थे और क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है भाई? हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन थी उस टाइम पर, बहुत ज्यादा डाउन थी, तो उसके फीचर्स तो हो गए ना कुछ, तो उनके फीचर्स है, मैंने यहाँ पे 10 टाइप्स लिखे हुए फीचर्स के, 10 तरह के फीचर्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं। अगर देखो बोर्ड के हिसाब से देखूं तो आपको ये 10 के 10 ही पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ केवल और केवल कुछ रेशियो, कुछ आंकड़े वगैरह अंकित किए हैं, आपको इन्हीं मतलब डाटा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको डाटा जो होता है वो डाटा आपको यहाँ से मिलेगा, क्या था कितना था, लेकिन थ्योरी आपको खुद बनानी पड़ेगी मेरे भाई। अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए ना तो डाटा के साथ साथ थ्योरी भी बहुत जरूरी होती है, और डाटा आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही शॉर्टकट में, और आपको थ्योरी अपने पास से बनानी है, ठीक है? ताकि क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बने और एग्जामिनर उस पर नंबर नंबरिंग अच्छी करे। तो इसलिए सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो फीचर्स है हमारा वो फीचर्स है सेगमेंट इकोनॉमी, ठीक है? सेगमेंट इकोनॉमी जो थी, सेगमेंट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है सर? सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेगमेंट इकोनॉमी या सेगमेंट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है। तो सेगमेंट इकोनॉमी की अगर बात करें तो मैंने लिखा हुआ है लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, ठीक है? मतलब ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें बहुत ही कम ग्रोथ होती है, ठीक है? बहुत ही कम ग्रोथ होती है या ना के बराबर, लिटिल का मतलब बहुत ही कम और नो ग्रोथ या बिल्कुल ही होना, ठीक है? क्या हुआ भाई, सेगमेंट इकोनॉमी के अंदर या तो ग्रोथ बहुत ही कम होगी ना के बराबर होगी, और अन्यथा बिल्कुल नहीं होने की, बिल्कुल बंद होगी, ठीक है? तो ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट इकोनॉमी बोलते हैं। अगर हम बात करें 1860 से लेकर 1945 तक, तो 1860 से लेकर 1945 तक ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम, ठीक है, जो ग्रोथ रेट थी ना हमारी, जो ग्रोथ रेट थी, जो पर कैपिटा इनकम थी, वो बहुत ही ज्यादा कम थी सर। कितनी थी? तो वो 0.5 पर एनम, ठीक है, ये ध्यान रखना, पर एनम 0.5% थी, 0.5% पर एनम थी सर। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है? और प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकाल लेंगे, तो हम जो हमारी जो टोटल इकोनॉमी है, ठीक है, टोटल इकोनॉमी की जो इनकम है, टोटल इकोनॉमी की जो इनकम है उसके अपॉन में रखेंगे टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम को हम, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, वो जो निकल के आएगी वो ही निकलेगी पर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम, ठीक है? एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब, और पर कैपिटा इनकम जो होती है ये पूरे साल की इनकम होती है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो जो 1860 से लेकर 1945 तक, 1860 से लेकर 1945 तक जो हमारी ग्रोथ रेट थी बहुत ही कम थी, और कितने परसेंट थी पर कैपिटा इनकम में, जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो 0.5% थी, और हमारी पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम थी, ठीक है? उसके बाद आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, बैकवर्ड इकोनॉमी का मीन्स होता है यहाँ पे कि जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था,
पिछड़ी अर्थव्यवस्था जो थी जिसको बैकवर्ड इकोनॉमी का नाम दिया। क्या थी सर बैकवर्ड इकोनॉमी? बैकवर्ड इकोनॉमी जो पिछड़ी हुई हमारी अर्थव्यवस्था थी, काफी पीछे थी। पर कैपिटल इनकम वाज लो, जो हमारी पर कैपिटल इनकम थी, जो एक व्यक्ति की या व्यक्ति प्रति आय जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी। और 1947 से लेकर 1949 तक, 1947 1947 से लेकर 1949 तक जो एक व्यक्ति की पूरे साल की आय थी वो थी 230 रुपए प्रति व्यक्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मतलब 1947 में देश का ऐसा हाल था, 1947 से 1949, कि प्रत्येक व्यक्ति की जो इनकम थी ना एक साल की, वो कितने रुपए थी? 230 रुपए थी। पूरी साल में एक व्यक्ति केवल 230 रुपए ही कमा पा रहा था। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की अगर बात करें, पिछड़ा हुआ कृषि क्षेत्र, तो एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्या क्या कारण थे? कारण क्या थे? कारण ये थे, ध्यान रखना, 72% पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया की 100 में से 72% पॉपुलेशन जो थी वो इंगेज थी कहीं ना एग्रीकल्चर में, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। लेकिन अगर हम बात करें जीडीपी की, तो उसमें मतलब 72% लोग जीडीपी को कितना परसेंट शेयर कर रहे थे? 50% पार्टनरशिप थी। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। जीडीपी कितने? भाई 72% लोग जो कृषि में व्यस्त थे, जिनका रोजगार और केवल कृषि था, खेती बाड़ी था। 72% लोगों की जो खेती बाड़ी पर डिपेंड थे 72% लोग, और इनकी जीडीपी में पार्टनरशिप कितनी थी? इनकी जीडीपी में 50% पार्टनरशिप थी। तो इसका मतलब वो 72% लोग जीडीपी के अंदर 50% की शेयर है। ठीक है, अगर हम बात करें 28%, 28% वे 50% पे इक्वल है, तो बाकी 28% लोग, क्या 28% तो अकेले 50% कर रहे, और यहाँ पर 72% ये 50% कर रहे। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफी पीछे था, लो प्रोडक्टिविटी थी, लो प्रोडक्शन था। यहाँ पे लिखा है 72% इंगेज इन एग्रीकल्चर, 72% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, और जो हमारी जीडीपी का 50% था। सर जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार कमेंट करो जल्दी, व्हाट इज जीडीपी? ठीक है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जीडीपी? तो जीडीपी का फुल नेम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद आता है लो प्रोडक्टिविटी। तो मैंने बताने की कोशिश की है एग्रीकल्चर बैकवर्ड कैसे था, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी थी। लो प्रोडक्टिविटी थी सर कैसे थी? तो जो वीट की प्रोडक्टिविटी थी पर हेक्टेयर, तो वीट या अनाज उत्पादन 660 किलोग्राम। ठीक है, एक हेक्टेयर में 660 किलोग्राम ही अनाज का उत्पादन होता था। उसके बाद अगर हम राइस की बात करें, चावल उत्पादन, तो चावल का उत्पादन एक हेक्टेयर में 710 किलोग्राम होता था। तो कितनी ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब भाई एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्यों था? क्योंकि एग्रीकल्चर बैकवर्ड इसीलिए था, मैंने आपको बताया था कल वाले वीडियो क्लास में, कि जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर और जमींदारों के बीच में क्या संबंध थे? जमींदार लोग जो थे, क्या एक फिक्स सम जो देते थे किसको? अंग्रेजों को, और बाकी उनके बदले में कितना भी काम कराओ दे। और आके कोई भी सरप्लस किसानों के लिए नहीं होता था। इसीलिए जब कोई सरप्लस नहीं होगा, कोई स्कीम नहीं होगी, कोई पॉलिसी नहीं होगी, तो फसल कहां से अच्छी होगी? कुछ भी नहीं, ना खाद मिला था, ना दवाइयां मिली थी, ना फर्टिलाइजर केमिकल्स मिले थे खेत के लिए, ना नई उन्नत क्वालिटी के सीड्स मिले थे, कुछ ही नहीं मिला था। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी कहां से होगी भाई? कहीं से भी नहीं होने की। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, क्योंकि 72% पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, और जो हमारी जीडीपी का 50% था, और बाकी जो बचे 28%, भाई 72 मिलके और 2800 होते हैं ना, तो बाकी जो 28% बचे वो 50% अलग थे। ठीक है, वे ध्यान रखना। तो 28% तो 50% जीडीपी बढ़ा रहे, और यहाँ 72% लोग जो खेती कर रहे वो 50%, इसका मतलब खेती कर तो रहे लेकिन खेती में कुछ आ नहीं रहा। तभी बोलने का लो प्रोडक्टिविटी वीट की 610 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और राइस अनाज 710 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्ड कैसे था? पिछड़े उद्योग धंधे, तो इंडस्ट्रियल बैकवर्ड था। लैक ऑफ हैवी मशीन इन दिस टाइम्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मशीनों की जो बड़े उपकरण थे हमारे पास, जो मतलब हैवी इंडस्ट्रीज होती है, उनकी बहुत ज्यादा कमी थी। जैसे आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इनकी बहुत ज्यादा कमी थी। ठीक है, और इंडिया में जो मशीनें बनाती है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो मशीनें बनाती थी, उनकी भी कमी थी। ब्रिटेन से मशीनें आती थी। ठीक है, ध्यान रखना। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री आर रेनडेड, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो छोटे पैमाने के उद्योग थे, वो पूर्ण रूप से बंद हो चुके थे। ठीक है, और कोटेज इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद रैम्पेंट पॉवर्टी क्या होती है? रैम्पेंट पॉवर्टी होती है एकदम से, मतलब जो जनसंख्या होती है ना, जनसंख्या पॉपुलेशन इंक्रीज होना। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, और ये मान लो कि अनियंत्रित जनसंख्या, अनियंत्रित। ठीक है, ध्यान रखना, रैम्पेंट होता है अनियंत्रित जनसंख्या।
तो रैम्पेंट पॉवर्टी, अनियंत्रित जनसंख्या कैसे हुई भाई, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ने लगी, नॉट गेटिंग टू स्क्वायर मील्स ए डे, ठीक है। तो ध्यान रखना, रैपिड पॉवर्टी का मीन्स होता है एकदम से जनसंख्या अनियंत्रित होगी। क्यों हुई? क्योंकि ना तो एजुकेशन के लिए कुछ था, ना लोग शिक्षित थे, ना उनको रोजगार मिलता था, ना उनको कहीं काम काम वगैरह मिलते थे, ठीक है। और जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो भाई कहाँ लजपड़ रहेगा, सारे पॉपुलेशन में ही रहेगा लजपड़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पॉपुलेशन की अगर बात करें, रैम्पेंट पॉवर्टी, गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा गरीबी ज्यादा बढ़ी, गरीबी के कारण से भुखमरी आने लगी, ठीक है भाई। जनसंख्या जब ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, जनसंख्या के बढ़ने से, अगर जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे पास में उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी लिमिटेड सोर्स नहीं है, ठीक है, ना उनको देने के लिए रोजगार है, ना उनको खाने के लिए जो है फूड्स वगैरह मिलते, तो क्या होगा भाई, वो क्या होगी, वो भुखमरी आ जाएगी फिर। तो इसका मतलब जनसंख्या जब बढ़ेगी तब देश के लिए टेंशन जो है टेंशन उत्पन्न होगी। तो रैम्पेंट पॉवर्टी का मतलब जनसंख्या बढ़ी तो गरीबी भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर डैम्स वगैरह आते हैं, डैम, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, ठीक है, और रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा, गरीबी इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ज्यादा। क्यों सर, क्यों था पुअर? तो ध्यान रखना, उस टाइम पर पावर जनरेशन जो थी, जो विद्युत उत्पादन अक्षमता थी हमारे पास कितनी थी, 21, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2100 मेगावाट, 2100 मेगावाट थी, ठीक है। और अगर आज बात करें नाउ एट प्रेजेंट टाइम, तो 2100 मेगावाट एक डैम बिजली बना दे, एक डैम, कोई से भी डैम ले लो आप, छोटे से छोटे डैम, इंडिया में आज के टाइम पर दुनिया भर के डैम है, दुनिया भर के बांध है। तो एक डैम की अगर कैपेसिटी की बात करें सबसे छोटी, तो वो भी 1300-1400 मेगावाट प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, हाइड्रो पावर का। लेकिन वहां पे क्या था, पावर जनरेशन उस टाइम की बात कर रहे, आजादी के टाइम की, तो टोटल पावर जनरेशन जो थी वो 2100 मेगावाट थी, पूरे ऑल इंडिया में ही 2100 मेगावाट थी, ध्यान रखना। उसके बाद रेलवे लाइन की अगर बात करें तो रेलवे लाइन थी 53,596 किलोमीटर, ये नोट डाउन कर लेना सारी चीजें, 53,596 किलोमीटर टोटल रेलवे ट्रैक थे उस टाइम इंडिया में। और मैं आपको बता दूं, जो रेलवे लाइन इंडिया में आई थी वो हमारे लिए नहीं आई थी, वो आई थी ब्रिटिशर्स ने, अपने इंडिया ब्रिटिशर्स ने लेकर आए थे, ताकि हम जो जगह जगह रॉ मटेरियल्स निकलते हैं, रॉ मटेरियल की जो माइनिंग होती है, उसको वहां से लोड करके और पोर्ट तक पहुंचाया जाए। पोर्ट होते हैं समुद्री बंदरगाह, जहां पानी के जहाज खड़े होते हैं, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक इसीलिए बिछाए गए थे ताकि जगह जगह जहां पर भी माइनिंग होती है वो सारा रॉ मटेरियल निकाल के हम सप्लाई कर दे कहां पर, ब्रिटेन के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी को डेवलप करना था उनको, और हम लोग पागल ठहरे थे, ठीक है। उसके बाद पक्का रोड, अगर पक्के रोड की बात करें तो पक्के रोड कितने थे उस टाइम पर, उस टाइम पर पक्के रोड केवल 155,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी किलोमीटर थे, इसका मतलब 155,000 किलोमीटर ओनली, 155,000 किलोमीटर पक्के रोड थे, पक्की सड़कें थी। और ये सड़कें वहां पे ही थी जहां पर, मतलब जहां माइनिंग का काम होता था, या फिर अंग्रेजों के आने जाने के जो रास्ते थे, वो ही रोड केवल और केवल पक्की थी, ठीक है। उसके बाद आता हैवी डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स, वो सॉरी इंपोर्ट्स। तो हैवी डिपेंडेंस, जो हम भारी उद्योगों के लिए आश्रित थे, भारी उद्योग क्या होते, भारी उपकरण, जो मतलब हैवी मशीन्स होती है, हैवी टूल्स होते हैं, जैसे टैंक वगैरह, तोप वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें, तो इन पे हम डिपेंड थे, कहीं पे इंपोर्ट्स पे, ठीक है, जैसे आर्म्ड फोर्स, ठीक है, आर्म्ड फोर्स के लिए जो भी सामान होता है। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स के अंदर जैसे सिलाई मशीन हुई आपकी, और बहुत सारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मतलब घरेलू यूज होती है जिनमें, ठीक है, घरेलू मतलब होम प्रोडक्शन, जो होम प्रोडक्ट होते हैं ना, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर गुड, ग्राहक की वस्तुएं जो होती है, जो हमारे दैनिक जीवन की जो चीजें हैं, उन पर भी हम क्या थे, इम्पोर्ट्स पे डिपेंड थे। और आर्म्ड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस होते हैं जो सशस्त्र सेना होती है, ठीक है, जैसे आर्मी होती है, आर्मी, आर्मी के तो सामान होते हैं, इनको बाहर से मंगाना, ठीक है, और हमें अपनी जरूरत की जो चीजें होती है उनको भी बाहर से मंगाना, ठीक है, डिपेंड ऑन इम्पोर्ट, ये सारी चीजें इम्पोर्ट पर ही तो डिपेंड थी। उसके बाद लिमिटेड अर्बानिज्म, ठीक है, लिमिटेड अर्बानिज्म का मतलब होता है मतलब नियमित शहरीकरण, नियमित शहरीकरण था, केवल केवल नियमित ही शहरीकरण था। शहरों के अंदर ओनली 14% लोग थे, शहरों के अंदर ओनली 14%, 14% लोग शहरों के अंदर थे। और अगर बात करें 86%, तो 86%, 86% पॉपुलेशन जो थी वो रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण इलाकों में निवास करती थी। और मैं बताऊं, 86% जो लोग थे वो रूरल एरिया में रहते थे, 86 मतलब 72, 86 में से 72% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। तो कितने बचे भाई, बताओ कितने बचे, जो बचे वो क्या हुए भाई, 86 में से माइनस करो 72,
तो 86 मतलब 70 बाय 86 टोटल पॉपुलेशन थी रूरल एरियाज के अंदर, इन 80 to 86 मतलब 72% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। तो बचे 12 या 14% लोग वो कहीं वो क्या करते थे, वो मजदूरी करते थे, वर्कर्स लोग थे वो, लेबर जिनको बोलते हैं ठीक है, मजदूर मजदूरी करते थे। और जो ज्यादातर तो अनपढ़ लोग थे ठीक है, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान नहीं था किसी चीज के बारे में ठीक है, केवल और केवल सर्वाइव करने के लिए काम करते थे। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड अर्बानिज्म लिखा हुआ है, नियमित शहरीकरण, 14% लोग अर्बान एरिया में रहते थे, इसका मतलब 14% 14% लोग शहरों में रहते थे और 86% लोग गांव के अंदर रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेमी फेडरल इकोनॉमी। सेमी फेडरल इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, आपसे मैंने देखा है पहले जो प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने देखे उनके अंदर मैंने महसूस किया कि पूछी गई है डेफिनेशन वर्ड इन सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होते हैं, सेमी फेडरल इकोनॉमी, तो सेमी फेडरल इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, मिक्सिंग इकोनॉमी ठीक है, ध्यान रखना। सर ये क्या होती है, देखो एक तो होता है गवर्नमेंट सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का ये मिक्स होता है ठीक है, इसी को बोलते हैं सेमी फेडरल इकोनॉमी। तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इकोनॉमी तो हमारी होती, उस टाइम का जो ये था ना सेमी फेडरल इकोनॉमी, इकोनॉमी तो इंडिया की थी लेकिन उस पर डिसीजन कौन लेता, ब्रिटेन वाले ले थे ठीक है। तो ऐसे ही काम कर रहे थे सेमी फेडरल इकोनॉमी, इसके अंदर था मिक्सिंग ऑफ फेडरलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इनकम, वो सॉरी इकोनॉमी, मिक्सर ऑफ फेडरलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इनकम इकोनॉमी। तो यहाँ पे लो प्रोडक्शन था, लो प्रोडक्शन लो प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्शन लो होगा तो प्रोडक्टिविटी लो होगी ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी की अगर बात करें तो कॉलोनियल इकोनॉमी जो थी वो थी क्या, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी ठीक है। ये तो ये कुछ मैंने रेशियोज वगैरह कुछ डाटा मैंने आपके साथ शेयर करा, इसमें आपको करना क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज साइलेंट इकोनॉमी ठीक है। साइलेंट इकोनॉमी का मतलब लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, या तो बिल्कुल इनकम होने की नहीं और या फिर होगी तो बहुत ही कम, बहुत ही लिटिल ठीक है। और कब की बात है, 1860 से लेकर 1945 तक ग्रोथ रेट काफी कम था। जब ग्रोथ रेट काफी कम था सर, कितना ग्रोथ रेट था, तो ग्रोथ रेट था 0.5% पर एनम था ठीक है। तो जब हमारा ग्रोथ रेट डाउन रहेगा तो हमारी पर कैपिटल इनकम भी डाउन रहेगी ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बाकी आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, और जो है कल मैं पार्ट 3 अपलोड करूंगा, और इसमें भाई देखो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, ये 10 पॉइंट है, 10 फीचर्स है, ये 10 फीचर्स है, आप अगर चाहो तो इनसे ही बहुत सारी चीजें बना सकते हो। मैंने आपको आपके साथ डाटा शेयर किया लेकिन थ्योरी आपको खुद बनानी पड़ेगी ठीक है, थ्योरी बनानी पड़ेगी, थ्योरी बनाने के लिए चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी तो बोलते हो आप पढ़ो। जूम वगैरह पे क्लास का कोई उद्देश्य नहीं है मेरे भाई ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट ना अपना करो ना हमें अपना करने दो ठीक है। बाकी मिलते हैं कब, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।